बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन रज़ा और आज का हमारा टॉपिक है ऑक्साइड्स ऑफ ब्रोमीन एंड ऑक्साइड्स ऑफ आयोडीन। इनमें हमने कौन कौन से ऑक्साइड्स को डिस्कस करना है डिटेल में। ब्रोमीन मोनोऑक्साइड है और आयोडीन पेंटाऑक्साइड है। ब्रोमीन के जो दूसरे जो मीन्स के ऑक्साइड्स हैं वो इससे भी कम स्टेबल है, लिहाजा जो हमारे पास समवट स्टेबल है हम उसको डिस्कस करते हैं। और आयोडीन के ऑक्साइड्स में जो बाकी के ऑक्साइड्स हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो ऑक्साइड्स हैं उसके उनको हमने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस नहीं करना। तो हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, वन बाय वन इन ऑक्साइड्स को डिस्कस करते हैं जी। तो हमारे पास सबसे पहले है ब्रोमीन मोनोऑक्साइड। अब जो ब्रोमीन के ऑक्साइड्स हैं, जितने भी ब्रोमीन के ऑक्साइड्स हैं, दीज आर वोलाटाइल लिक्विड्स, ठीक है, डार्क वोलाटाइल लिक्विड्स, और दीज आर जस्ट ओनली स्टेबल इन डार्क कंडीशंस। डार्क वोलाटाइल लिक्विड्स हैं और जस्ट स्टेबल इन डार्क कंडीशंस। जस्ट स्टेबल इन डार्क मीन्स के इनको अगर हम अंधेरे में रखें तो ये सिर्फ जो है वो स्टेबल होंगे। क्लियर हो गया। ये है जी ब्रोमीन के ऑक्साइड्स। ब्रोमीन के ऑक्साइड में जो ब्रोमीन मोनोऑक्साइड है ये जो है वो समवट मोर स्टेबल है। अब हम इसकी प्रेपरेशन पढ़ते हैं कि हाउ कैन वी प्रिपेयर ब्रोमीन मोनोऑक्साइड। ओके, तो सबसे पहले इसकी प्रेपरेशन का हमारे पास रिएक्शन एक ही है, लेकिन उसको हम दो तरीकों से करवा सकते हैं। सबसे पहला रिएक्शन कौन सा है कि अगर आप मर्क्यूरिक ऑक्साइड का रिएक्शन करवाएं, किसका, मर्क्यूरिक ऑक्साइड का रिएक्शन करवाएं ब्रोमीन के साथ। ओके, ब्रोमीन के साथ अगर आप रिएक्शन करवाते हैं मर्क्यूरिक ऑक्साइड का, तो आपके पास क्या बनेगा, एक तो मर्क्यूरिक ब्रोमाइड HBr2 प्लस आपके पास क्या बनेगा Br2O, ब्रोमीन मोनोऑक्साइड, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोमीन मोनोऑक्साइड। सेकंड, इसका जो मेथड है प्रेपरेशन का वो कौन सा है कि अगर आप इसका मर्क्यूरिक ऑक्साइड का आप एक सस्पेंशन जो है वो बना लेते हैं CCl4 में, ठीक है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड का सस्पेंशन बना लेते हैं CCl4 में, तो आपके पास जो है इस यही रिएक्शन होगा। CCl4 इज एन इनर्ट सॉल्वेंट, ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, सेम रिएक्शन होगा, आपके पास ब्रोमीन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। तो उसके बाद है कि ये जो ब्रोमीन मोनोऑक्साइड है ये लिक्विड होता है, ठीक है, थर्मली इनस्टेबल होता है, थर्मली इनस्टेबल। ब्रोमीन मोनोऑक्साइड की अगर हम प्रॉपर्टीज देखें तो ये थर्मली क्या है, इनस्टेबल है। अब जो चीज थर्मली इनस्टेबल होती है दैट मीन्स के ये एग्जिस्ट नहीं कर सकती, थोड़ा सा भी टेम्परेचर हाई हुआ तो ये क्या हो जाती है, डिकम्पोज हो जाती है। तो इसको स्टेबल रखने के लिए हम क्या करते हैं, इसको स्टेबल रखने के लिए हम -20 सेल्सियस पे जो है इन डार्क एंड इन एंड इन एन इनर्ट सॉल्वेंट इन CCl4 इट इज ओनली स्टेबल इन डार्क एंड इन CCl4 एट -20 सेल्सियस। और उसके बाद कि ये ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर होता है, मीन्स कि इसके पास ऑक्सीडाइजिंग पावर्स होती हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं आयोडीन पेंटाऑक्साइड की। अब आयोडीन पेंटाऑक्साइड की अगर हम बात करें तो यही वो ऑक्साइड है आयोडीन का जो कि ज्यादा स्टेबल है आयोडीन के बाकी ऑक्साइड्स की निस्बत से, ठीक है। आयोडीन पेंटाऑक्साइड ये बहुत इंपॉर्टेंट है आयोडीन के तमाम ऑक्साइड्स की निस्बत से, जबकि आयोडीन के बाकी के ये जो I2O4 है, I4O9 है आयोडीन आयोडेट, ठीक है, ये आपके पास आयोडेट्स कहलाते हैं। आयोडेट्स क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ये साल्ट्स के जैसे हैं और साल्ट्स के जैसे होने की वजह से इनको आयोडेट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको, आयोडेट्स कहा जाता है। तो सबसे पहले हम I2O मींस के आयोडीन I2O5 आयोडीन पेंटाऑक्साइड है इसकी प्रेपरेशन को डिस्कस करते हैं। तो इसकी प्रेपरेशन हम आयोडिक एसिड जो है उसको 240 सेल्सियस पे हीट करके कर सकते हैं, ठीक है, मींस के HIO3 जो है आयोडिक एसिड, इसको अगर आप हीट करें एट 240 सेल्सियस तो आपके पास क्या बनता है, I2O5 प्लस आपके पास क्या बनेगा, H2O प्लस आपके पास वाटर मिलता है।
अब उसके बाद ये हाई टेम्परेचर पे बहुत ज्यादा ये स्टेबल है, तकरीबन 300 सेल्सियस तक जो है ये स्टेबल रहता है, और ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ये क्या है, I2O5 इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, और जो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसी वजह से ही तो ये इतना ज्यादा स्टेबल है। क्लियर हो गया। अब व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होने की वजह से ये हाई टेम्परेचर पे भी स्टेबल रहता है, अबाउट 300 सेल्सियस। उसके बाद है जी कि ये आपके पास रिएक्ट करता है वाटर के साथ और आयोडिक एसिड ही बना देता है, मीन्स के इसी रिएक्शन को आप रिवर्स कर ले तो आपके पास I2O5 वुड रिएक्ट विद H2O टू फॉर्म HIO3। ओके, आयोडिक एसिड आपके पास बन गया। क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास जो आयोडीन पेंटा ऑक्साइड है ये HCl के साथ भी रिएक्ट करता है, ठीक है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ भी रिएक्शन करता है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ भी रिएक्शन करता है, H2S के साथ भी। तो आपके पास यहाँ पे जो आयोडीन पेंटाऑक्साइड का मेरे ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट यूज है वो ये है कि इट इज यूज्ड एज एन क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, इट इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड, इट इज यूज्ड फॉर द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कि कार्बन मोनोऑक्साइड की क्वांटिटी जो है उसको मेजर करने के लिए आप जो है क्या यूज कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कि किसी रिएक्शन में कितनी कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो इवॉल्व होती है या वहां से रिलीज होती है। आप I2O5 को एज एन जो है मेजरमेंट यूज कर सकते हैं आप कार्बन मोनोऑक्साइड के, उस रिएक्शन से कार्बन मोनोऑक्साइड कितनी निकल रही है। अब इस रिएक्शन की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, इस रिएक्शन की इतनी इंपॉर्टेंस बच्चों इसलिए है कि अगर एक रूम में, जैसे ये हमारा क्लासरूम है, अगर इस रूम में 0.004% भी कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट है तो यहाँ पे मौजूद सब लोगों की डेथ हो सकती है। ये बात आप लोग जानते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन के साथ जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है उसकी एबिलिटी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन इज 200 टाइम्स मोर। तो इसलिए इसकी जो क्वांटिटी है इसको फाइंड आउट करना बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूनिट्स में जहाँ पे कंबस्शन जो है वो रिएक्शन हो रहे होते हैं, तो वहां पे इन चीजों का देखना, मीन्स के कार्बन मोनोऑक्साइड कितने परसेंट वहां से रिलीज हो रही है, इस चीज का देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए I2O5 जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप I2O5 को रिएक्ट करवाएं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ तो ये किस तरह से रिएक्ट करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड में, और कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है ये एफरवेसेंस के साथ रिलीज होती है, ठीक है। तो आपको जो है वो यहाँ से ये पता चल जाएगा कि कितनी कार्बन मोनोऑक्साइड यूज हो गई है, और अगर आपके पास एक आयोडीन जो है वो मॉलिक्यूल मिलता है, 1 मोल ऑफ आयोडीन मॉलिक्यूल, देन यू हैव स्टडीड दैट 5 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड वाज देयर। ओके, तो ये जो आपके पास स्टाइकोमेट्रिक एनालिसिस है यहाँ से हम क्वांटिटी ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड फाइंड कर लेते हैं कि इस जगह पे या इस रिएक्शन में कितनी कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हुई है। क्लियर। ओके जी, तो अब हमारे आज जो ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजन्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हम इंशाल्लाह ऑक्सी एसिड्स को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक हैलोजन का होगा वो हो गए इनके यूजेस और ब्लीचिंग पाउडर। क्लियर, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।